जनाब बिन दाऊद आ गया देखना जी, क्या इज्जत से पड़ी बिरयानी मसाले ये टाकीज़, ये क्या कहेंगे हम लबन पी रहे हैं यहाँ से लेके। अच्छा भाई ये किंडी कैंडी है, इसके जो फाइल है यहाँ पर ये है, मुझे नहीं पता इसका। भाई ठीक है चलें जी, अभी हमने असर पढ़ ली है और हम लोग बाहर की साइड से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मगरिब पढ़ेंगे, ईशा पढ़ेंगे, फिर वापसी करेंगे अपना। और ये हमारा वेट कर रही है गेट नंबर 69 पे, यहीं से आ जाओ बाहर, आ जाओ आगे से देख लो 68 69, आ जाओ। ये 60 नंबर गेट से अभी हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अच्छा जी अब हम लोग जो है यहाँ से अंदर आए, ये क्लॉक टावर के नीचे का एरिया है और यहाँ पर जो है ना बिन दाऊद, और अब हम यहाँ से कार फोर भी है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट आपको शॉप्स मिलेंगी नीचे, ये देखें। खूबसूरत शॉप्स हैं, आओ चले देखें आगे। ये देखें ये लेडी जा रही है, ये अभी इसको चला देते हैं किराए पे, किराया तो मिलेगा। अच्छा जी हम लोग क्लॉक टावर के नीचे आए और इनको असल में हमें दिखाना है बिन दाऊद, बिन दाऊद, और बिन दाऊद में जाएंगे उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर फूड कोर्ट है इनके पास। तो ये जनाब बिन दाऊद आ गया और ये एग्जिट है, ये एंट्रेंस है, आप आ जाए जी बिन दाऊद चलते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ चीज़ें वगैरह लेनी होगी तो आप ले सकते हैं, ये देखो अगर आपको कुछ लेना होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने कहा अगर आपको कुछ लेना होगा तो ऐसे ले सकते हैं। अच्छा जी देखिए ये वाली जो आपकी खजूरें हैं ये 17 रियाल की। अच्छा जी स्टाइल तो बड़ा ज़बरदस्त है, हाँ ये देखा आगे आ गए आगे, माशाल्लाह किला देखें यहाँ पर 5.46 रियाल के केले हैं, कीनू हैं, इतने खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान से पहुँच जाते हैं 13.48 रियाल के अंगूर, अंगूर खाने 13 रियाल का अंगूर मिल रहा है जनाब। और ये आपका आधा आधा 0.550, ये आपकी जो खजूर है 55 मतलब 56 रियाल की है और 1.5 kg है, ये अजवा खजूर हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से आप ये खा सकते हैं, ये 1.5 kg के 1 kg के अंदर ये चीज़ है और 35 रियाल का है। ये देखें भाई हमारे नेशनल के मसालेदार भी मौजूद हैं यहाँ पर, बिरयानी बना सकते हैं बिरयानी कैसे रखिए देखना जी, क्या इज्जत से पड़ी है, ये खाल वाली चिकन है। अच्छा देखो हमारे बिरयानी मसाले 8 रियाल का बिरयानी मसाला, 5 रियाल 8 रियाल की चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा भाई आप लोग क्या ले रहे हैं तो पीने की चीजें, यहाँ के हिसाब से होंगे ना बड़े ड्रिंक्स होंगे, हाँ ये कितने का दिया हमारे कोकोनट 3 बस, हाँ वहाँ से भी कोको है ना, ये 24 छोटा लिया ना हमारे, ये अनानास है ये लिया हमारे 3 रियाल के। अच्छा यहाँ ना लब्बन भी पड़ी होगी, लब्बन ले लेना, लब्बन पीने वाली, लब्बन पीने वाली बस, लब्बन टाकीज, ये टाकीज, ये देखो ये 24 रियाल का है, ये कैलकुलेट कर लो
भाई ये वाले जो है 11 रियाल के हैं, और यहाँ पर हमारे जो रियाल ये एक भी 7.50 लिखा हुआ है, 7 रियाल का इतना सस्ता नहीं होगा, 7.50 रियाल का ये है, ठीक है 8 रियाल का लिए लेज लेज ये ले लो, एक ही ले लो, पकड़ो ये जनाब 11 रियाल के ये हैं, और ये लो अच्छा जी ये मैं चीज़ बॉल उठा रहा हूँ, अब मैं ये देखूँगा कि इसमें क्या प्राइस है, यहाँ तो नहीं लिखे हुए चीज़ बॉल के, ये भी इतना ही होगा देखेंगे। ये 2 रियाल का बिस्किट है, अगर आपने भी खाना है हाँ बेटा ये भी देख लीजिएगा, ये 2 रियाल के बिस्किट हैं, बड़ी महंगे ये साल्टेड क्रैकर हैं, ये ना 1.5 रियाल। अच्छा जी ये हमने रख दिए इसी जगह में, दूसरा लिया था सस्ता पड़ रहा था, और यहाँ पर चॉकलेट्स भी हैं, M&M जो है यहाँ पर 1.75 रियाल की मिल रही है, ये देख लें। अच्छा व्यूअर्स ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये लबन है ये 11 रियाल की मिल रही है, और इसके अंदर 1000 ml होगा, क्योंकि ये 1 लीटर का हो गया ना, तो इसके अंदर हो गया 1000 ml, ठीक है, और ये 11 लीटर का हो गया, इसके अंदर है 180 ml, लेकिन ये 6 बोतल है, तो ये पड़ रहा है 1080 ml, ठीक है, तो 1080 ml, और ये 2 रियाल की एक है, तो ये हमें पड़ेगी 12 रियाल की 1080 ml, और ये हमें पड़ेगी 1000 ml 11। मेरे हिसाब से ये इसलिए बेटर है कि जिसने पीनी है वो खुल के पी ली, एक दफ़ा खुल गई कि ये आपने पीनी ही पीनी है, तो हमने डिसाइड किया है कि ये हम लबन पी रहे हैं यहाँ से लेके। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि बिन दाऊद के जो है ना रेट थोड़े महंगे हैं, अब ये मुझे नहीं पता अभी आगे और कहाँ कितने की मिल रही है, ऊपर कारफोर भी है, तो ये हम इसको लेके जा रहे हैं अभी। अब अभी देखिए ये डेटॉल जो है हमारे यहाँ पर 10 रियाल में मिल रहा है, अब ये देखें ये 18 रियाल 19 रियाल में मिल रहा है, पाल मौलिक यहाँ पर 7 रियाल में, बिन दाऊद के अंदर की बात कर रहा हूँ, मुझे अदर थिंग का नहीं पता, ये छोटा सा यहाँ पर 4 रियाल का मिल रहा है। अब बताएं पाकिस्तान के अंदर क्या महंगी हैं चीज़ें, यहाँ कोई महंगी नहीं है भाई। ये किंडी कैंडी है, इसके जो प्राइस है यहाँ पर ये है 16-17 धर्म की, और ऐसी बात है 17 धर्म जो है वो एक मायने रखते हैं, 10 धर्म का मतलब हो गया 800 रुपये, और तकरीबन ये काफ़ी महंगी है। अच्छा जी ये हम यहाँ से ले रहे हैं क्योंकि बिन दाऊद है, अब ये इसको ट्राई करते हैं लेके, और जब बिल बनेगा तो पता लगेगा क्या। 10 धर्म हो गए, 8-10 रियाल हो गए, 800 रुपये, और उसके अलावा आप हाफ कर लें तो तकरीबन 1500 रुपये की पड़ी हो गई। मुझे नहीं पता था अगर ये काम होगा तो आगे जल्दी करो, कह रहे हैं चेक इन हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग फिर एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा जी अपने बिंदा उठी अभी कर लिए, ठीक है दे दें सोच में खाना चाह रहा है, और माशाल्लाह अभी हमारे यहाँ पर जो रियाल बने हैं वो आपको बता देते हैं, 175.45 रियाल की चीज़ें बनी हैं, हम आपको जाके दिखाएंगे कि हमने क्या शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें हमने पढ़ के लिए हैं, और बिन दाऊद के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये महंगा है, ठीक है, ये बिन दाऊद जो है ये यहाँ का बहुत बड़ा सुपर स्टोर है जो कि महंगा है, तो ये बाहर कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, बहुत सस्ती होंगी, यहाँ पर है महंगी, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पड़ी हुई है मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। चलें जी अब आपको दिखाते हैं अभी हम लोग और कुछ क्या कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है असर में, तो अभी मेरे खाना वगैरह भी खाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको दिखाएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छा जी ये हम लोग आ गए हैं इनके 3rd फ्लोर पे, यहाँ पर कहीं फूड कोर्ट वगैरह हम देखेंगे, और इनको घुमाने के लाए हैं, ये इनकी वजह से हम भी घूम रहे हैं, हम घूमेंगे तो इसी तरह टच एंड स्टाइल जो ना पूरा मैकडोनल्ड, तुम लोग मैकडोनल्ड जो है खाना तो मैकडोनल्ड सामने लगा हुआ, तो मैकडोनल्ड भी खा लेना मुझे, ये देखें आप हक्कतुल जजीरा 17 जजीरा, देख लो ये हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ से आपको अच्छा यहीं से हम नीचे भी निकल जाएंगे, ये वो बाहर वाला रास्ता है,
खाना है क्या? शवरमा अभी खाना है, देख तो लो पहले। मम्मा तो हार्डीज में ले आई। वैसे ही वो वहाँ ज़्यादा साफ सुथरा। बर्गर किंग खाना है आपको? खाना है बर्गर किंग? शवरमा कैसा है भैया? शवरमा कैसा है? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कौन सा है? चिकन है और चिकन मिल रहा है। शवरमा इनका 10,000 का मिल रहा है भैया। अरबी खाना ये ले ले स्टाइल का। ये देखो ये खाना, हाँ ये कटर स्टाइल में होगा। क्या कटे हुए पीसेस होंगे? हैं? कहाँ से आप? पाकिस्तान से? बांग्लादेश? बर्मा? बर्मा। उर्दू आती है? बर्मा से उर्दू आती है। म्यांमार? आता है जाता है, खाता है पीता है, रोता है सोता है, है खल्ला हल्ली बल्ली। ये एक बनवाएं के लिए? चले यार ये बनाएं। कैसा है? ठीक है, मस्त है, अच्छा नहीं बना फिर मैं सोच लेना, मैं पूरा ब्लॉग में बुराई कर कर खत्म कर दूंगा। अच्छा ये हम बच्चों के लिए करवा रहे हैं। और हाँ भाई और क्या चाहिए? कड़क चाय भी है? कड़क चाय भी है? कड़क चाय? कड़क चाय पीते चाय? चाय आपको भी ले लो। ये कड़क चाय कितने का? 5,000। प्राइस? प्राइस कैसे है? बिरयानी भी? अभी खा बिरयानी नहीं खानी। एक फ्राइज करो, एक ये 30,000 वाला ये शवरमा करो, ठीक है। और भाई ये 10,000 वाला। और ये सैलेड बाउल कैसा है आपका? सब्वे जैसा? जैसा है, है नहीं? ये वाला? ये तो सिर्फ खीरा है ना? ऐसे मत लो सर। चाय दो करो दो। ये 5,000 की इनकी हम चाय दे रहे हैं। किसका कप में? कत्ते का कप में? कड़क कड़क छाई वाला लब्बन भी थी। लब्बन तो ली नहीं, पी नहीं हम। अगर लब्बन तो पी रहे थे, अब चाय पीने लब्बन पी नहीं। यहाँ पर आप आए इनके पास, ये बिरयानी जो है ये 30 और 40 साल का स्मॉल और लार्ज है। लार्ज में कितने परसेंट खाते हैं? 2%। ये वाला जनाब देख रहे हैं डब्बा जो है लार्ज है, ये छोटा है। ये क्या है? अच्छा 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 ये जनाब जो इनका जो चावल होते हैं ना, ये इस तरह बंदी है, बंदी अच्छा अरेबिक बंदी चिकन ग्रिल है, और ये अरेबिक बंदी के साथ ऐसा डाल के दे देते हैं। ये बिन दाऊद से ऊपर जब आप जाएंगे ना, इसके अंदर आता है तो देखते हैं। बली बली भाई सब्जी है, आजम अंडा परोठा है, दाल सब्जी है, आजम आजम मरहबा हज मरहबा शवरमा क्या सब बिरयानी आजम पुरुष शवरमा हम देखा सब बिरयानी आजम सर वाकम सर अंडा परोठा है, दाल सब्जी है, शवरमा बिरयानी मस्त है। और देखेंगे कैसा टेस्ट है इनका। अच्छा जी ये चाय सदी है दो, और मैं जहाँ पर अभी खा रहा हूँ ये देख रहे हैं तो कॉस्टली है, लेकिन अब खाना तो है, कुछ ना कुछ टेस्ट को करना है। तो अभी मैं किसी पाकिस्तानी होटल पे नहीं, मैं सिर्फ जो यहाँ के लोकल हैं इधर बैठा हूँ। ये चाय मैंने ली है, और अभी जो हमारा जो इस पेट्रोल बिल बनाया है वो बनाया है 52 रुपीज़, क्योंकि हमने देखे सुबह 27 रियाल में हमने 30 रियाल में हमने खाना खाया था, अच्छा वाला नाश्ता। और ये जो चीज़ें टोटल ली हैं ये जो अभी आई हैं ये 53 रियाल विद चाय, इसमें नो ड्रिंक्स। देखें जबरदस्त। और ये फ्राइज हमने लिए हैं आपको बता दिया था ये टोटल 53 रियाल में, और कल हमने वो इतना कुछ खाया ना 83 रियाल में। अब आप देखें कि कौन सस्ता है कौन महंगा है, सदा जो है अब बैक टॉप पे जा रहा है। ठीक है जी,
ये मैं आपको जो है नीचे से लोकल है, मैं तुम लोगों को वहाँ से भी खिला के लाऊंगा। ये ऊपर महंगी चीज़ें हैं, जहाँ से हमने खत अपना करवाया था, बारह महीने कटवाए थे, वहाँ पर रेट सस्ते हैं। ठीक है, जिन्होंने लिमिटेड बजट के साथ खाना है वो फिर यहाँ पर मत आए, तो मैं आपको मना करूँगा, इजली मना करूँगा लिटरली, क्योंकि ख्याल करना है, क्योंकि अभी हम लोग ज़रा सर्वे कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हम बैठ के भूख लगी हुई थी, लेकिन हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जायज़ चीज़ें मिल रही हैं फिर उसी पैसों में खाई जाए, नाजायज़ मत किया जाए। ये मेरे हिसाब से बहुत महंगा है अभी, ठीक है, बहुत महंगा है, क्योंकि आप देखिए ये चाय जो है इसको लगाना है 5,000 की पड़ी है, हमारे होटल के अंदर यही चाय 3 रियाल है, 2 रियाल की है, देखें यही चाय है, सही है। बस क्या है जी, कप, ये कप देख रहे हैं आप थोड़ा सा बड़ा है, और ये बस देख रहे हैं 2-4 कप 5 कप आ जाए हमारे उस पैसों के अंदर, ठीक है जी। ये देखें, मैं कहता, मैं अगर आपको बात करूँ तो चाय से ज़्यादा जो है ना आप लपन जाके पी लें विद डाउट से लेके। आप एक क्या एक्सपीरियंस था आपको खा के उसको, आपका मेरा तो मूड अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया क्योंकि इतनी अच्छा इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैंने अभी खाई नहीं है क्योंकि मैं अभी खाऊंगा, टाइम लगेगा कि मैंने अभी चाय पी हुई है, और जिसका चाय पी के मूड ख़राब हो गया था तो उनका मूड सही हो गया, कह रही बहुत ही एक्सीलेंट टॉफ़ी है, ये इमली वाली टॉफ़ी है, और ये बिन दाऊद से हमने ली है 17 रियाल की। तो जुड़े रहे हमारे साथ, जब आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलने लगे हैं।